बीम फ्रेमिंग के लिए हमें स्ट्रक्चरल बीम फ्रेमिंग और ये प्रोग्राम एक्टिवेट करना है। इसका शॉर्टकट है XA, यहाँ से हम बीम का ऑफसेट रिसेट कर सकते हैं। उसे क्लिक करने के बाद कमांड बार पे पूछेगा आपको बीम का ऑफसेट कितना चाहिए, जो भी बीम का ऑफसेट आपको चाहिए वो एंटर कीजिए। उसके बाद हमें जाना है स्ट्रक्चरल बीम फ्रेमिंग, और ये है बीम फ्रेमिंग के लिए ऑफसेट कमांड जो है। लेफ्ट टू राइट अगर ऑफसेट चाहिए आपको तो एक एंटर करना है, अगर बोथ साइड ऑफसेट चाहिए तो दो एंटर, और राइट साइड या फिर लेफ्ट और अबव तो उसके लिए तीन करना है। जैसे हम प्रेस करते हैं वन एंटर तो ऑफसेट आएगा अपना लेफ्ट साइड। अगर सिंगल सिंगल लाइन कमांड अगर यूज करते हैं तो हमें ऑफसेट वापस ऑफसेट कमांड देना पड़ेगा, तो इससे बेस्ट ऑप्शन है यही कमांड यूज आप कीजिए। पूरे फ्रेमिंग कंप्लीट होने के बाद हमें इसे बाहर मूव करना है, या और स्ट्रक्चरल लेयर आइसोलेट कमांड है, इससे भी यूज कर सकते हो आप। इसका शॉर्टकट है ML, इसे क्लिक कीजिए। फिर हमें कॉलम और बीम फ्रेमिंग हमें एंटर करना है, फिर इसे हमें मूव करना है। 161 ये जो शॉर्टकट है यहाँ से ऑल लेयर ऑन और अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ आपके एक नंबर जो रहा था 3 इंटू, ये हो गया हमारा पूरा प्लान फ्रेमिंग वाला। एटो बीम नंबर के लिए हमें जाना है स्ट्रक्चरल और सॉफ्टवेयर फिर से लोड करना है, क्योंकि हमने बीम फ्रेमिंग के लिए ये कमांड एक्टिवेट की थी, तो अब हमें फिर से इसे लोड करना है। इसे लोड कीजिए। लोड होने के बाद हमें जाना है स्ट्रक्चरल बीम नंबर, कंटिन्यूस नंबर अगर आपके है बीम तो आपको ये कमांड यूज करनी है। अगर आपके सेम बीम है और उसको सेम नंबर देना है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। बीम नंबरिंग क्लिक करने के बाद आपको कमांड बार पे पूछेगा आईडी, अगर आपके प्लेन बीम है तो PB आप एंटर कीजिए, अगर आपका बीम है या फिर ग्राउंड बीम है तो GB, अगर बीम है तो B एंटर कीजिए। उसके बाद वो पूछेगा आपको स्टार्टिंग नंबर, जहाँ से आपको बीम नंबर स्टार्ट करना है। अगर आपने कुछ नंबर दिए है तो आगे से कंटिन्यू करने के लिए आप आगे का नंबर दे सकते हैं। उसके बाद वो पूछेगा आपको टेक्स्ट टाइप, जो आपको टेक्स्ट टाइप देनी है बीम नंबर के लिए वो एंटर कीजिए। उसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है या फिर किधर भी आप क्लिक कीजिए, और जहाँ पर आपके नंबर से वहाँ पर आपको पिक करना है। हॉरिजॉन्टल सभी नंबर होने के बाद आप अगर वर्टिकल को क्लिक करने जाएंगे तो आपको टेक्स्ट का रोटेशन हॉरिजॉन्टली मिलेगा। अगर टेक्स्ट रोटेशन आपको करना है तो पहले आपको कमांड कैंसिल कीजिए। कमांड कैंसिल करने के बाद आपको जाना है स्ट्रक्चरल बीम नंबर, यहां पर आपको रोटेट UCS करना है, प्रेस R, और आपको क्लिक करना है जो आपका बीम का जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट रहता है उधर पिक करना है। पिक करने के बाद हमें सेम कमांड यूज करनी है बीम नंबर, उसके बाद वो आईडी पूछेगा, सेम आईडी अपना जो है B एंटर कीजिए। उसके बाद लास्ट वाला नंबर जो है वो आप डिफॉल्ट लेगा, अगर चेंज हो गया तो आप उसे फिर से एंटर कीजिए, टेक्स्ट राइट दीजिए और फिर बाहर पिक कीजिए, फिर वो आपको वर्टिकल नंबर देने के लिए नए नंबर आ जाएंगे। ये हो गई हमारी बीम फ्रेमिंग। आज हमने देखा एटो बीम नंबरिंग, तो एजुकेशनल स्टूडेंट वर्जन में और प्रोफेशनल वर्जन में दो मेजर डिफरेंस है। एजुकेशनल स्टूडेंट वर्जन में आपको सिंगल सिंगल क्लिक करना पड़ता है बीम नंबरिंग के लिए, बट प्रोफेशनल वर्जन में आपको प्लान बस सिलेक्ट करके ही छोड़ देना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक नंबर आपको विथ रोटेशन टेक्स्ट के साथ दे देगा।